विश्वास हम होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं स्टडी आईटीआई स्किल्स। अभी हम लोग इंजन कूलिंग सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं। इंजन कूलिंग सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है कूलेंट। इसके बारे में हमने कुछ जानकारी अपने पिछले वीडियो कंपोनेंट ऑफ द कूलिंग सिस्टम में भी ली थी, परंतु आज के वीडियो में हम कूलेंट की डिटेल्ड स्टडी करेंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कूलेंट एवं एंटी फ्रीज क्या होते हैं एवं इनमें क्या अंतर है, एंटी फ्रीज के क्या फंक्शन एवं क्या विशेषताएं हैं एवं कूलिंग सिस्टम में एंटी फ्रीज का प्रयोग क्यों किया जाता है, कूलेंट कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा कूलेंट आपकी गाड़ी के लिए अच्छा है, कूलेंट के कलर का क्या महत्व है, कूलेंट का प्रयोग कैसे करें, कूलेंट को चुनते व प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखें एवं कूलेंट खरीदते समय उस पर दी हुई कौन सी जानकारी हमें देखना चाहिए, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास हम होंगे। इंजन में फ्यूल के जलने से हीट एनर्जी उत्पन्न होती है। इस हीट एनर्जी का लगभग 35-40% भाग मैकेनिकल वर्क यानी यूजफुल वर्क में बदल जाता है। शेष बचा हुआ 60-65% भाग हीट में कन्वर्ट हो जाता है। इस हीट का आधा भाग तो एग्जॉस्ट गैसों के साथ बाहर निकल जाता है, लेकिन शेष बचा हुआ आधा भाग इंजन में ही रह जाता है। इस बची हुई हीट के कारण इंजन के तापमान में वृद्धि होती है। यह हीट इतनी अधिक होती है कि इंजन के पार्ट्स इसके द्वारा पिघल सकते हैं, इसके द्वारा पार्ट्स एक दूसरे से चिपक सकते हैं या फिर इंजन सीज भी हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस अतिरिक्त हीट को इंजन से बाहर निकाला जाए। इंजन में यह काम कूलिंग सिस्टम में कूलेंट के द्वारा किया जाता है। इंजन कूलिंग सिस्टम में सर्कुलेट होने वाला लिक्विड कूलेंट कहलाता है। यह कूलेंट इंजन के विभिन्न पार्ट्स के चारों ओर घूमता है, जिससे यह इंजन एवं उसके पार्ट्स की गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस एब्जॉर्ब की हुई गर्मी को यह रेडिएटर के माध्यम से वातावरण में छोड़ देता है और स्वयं ठंडा होकर पुनः इंजन के पार्ट्स की गर्मी को लेने उनके चारों ओर चला जाता है। इस पूरी प्रोसेस की स्टडी हम हमारे पिछले वीडियोज में कर चुके हैं। अगर आपने यह वीडियोज नहीं देखे हैं तो इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप इन्हें एक बार जरूर देख लें। जब हम इंजन में कूलेंट की बात करते हैं तो दो शब्द हमारे सामने आते हैं, पहला कूलेंट एवं दूसरा एंटी फ्रीज। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये होते क्या हैं। कूलेंट वह लिक्विड है जो कूलिंग सिस्टम में सर्कुलेट होता है। यदि यहां पर पानी का प्रयोग किया जाए तो पानी भी कूलेंट ही कहलाएगा। एंटी फ्रीज एक केमिकल है जिसको पानी में मिलाकर कूलेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी एंटी फ्रीज स्वयं में पूर्ण रूप से एक कूलेंट नहीं है, बल्कि इसे पानी में मिलाने के बाद कूलेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः कूलेंट एवं एंटी फ्रीज दोनों के लिए ही कूलेंट शब्द का ही प्रयोग किया जाता है, तो इस वीडियो में भी कई जगह पर हम कूलेंट शब्द का ही प्रयोग करेंगे। आइए एंटी फ्रीज के बारे में थोड़ा और जानते हैं। एंटी फ्रीज किसी एल्कोहल एवं डिस्टिल वाटर का मिश्रण होता है, या फिर यह डिस्टिल वाटर एवं किसी ग्लाइकोल का मिश्रण होता है। एंटी फ्रीज के रूप में प्रयोग किए जाने वाले केमिकल्स के आधार पर कूलेंट के प्रकार निर्धारित होते हैं, जिनकी चर्चा हम अभी आगे वीडियोस में करेंगे। आइए अब हम जानते हैं कि एंटी फ्रीज का क्या फंक्शन है, यानी कूलेंट के रूप में एंटी फ्रीज का प्रयोग क्यों किया जाता है। एंटी फ्रीज का पहला फंक्शन तो इसके नाम में ही छुपा हुआ है, एंटी फ्रीज यानी जो जमने से रोके। एंटी फ्रीज इंजन के अंदर कूलेंट को ठंड के समय फ्रीज होने यानी जमने से रोकता है। सामान्यतः पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जम जाता है, परंतु यदि पानी के स्थान पर 50% पानी एवं 50% एंटी फ्रीज के सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाए तो यह लगभग -37 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। यानी कि ठंडे स्थानों पर जहां का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है वहां पर इसका प्रयोग बहुत सरलता से किया जाता है। इसके प्रयोग करने से इन स्थानों पर इंजन के अंदर कूलेंट जमता नहीं है।
परंतु ऐसा नहीं है कि यह कूलेंट केवल पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को कम करता है, यह पानी यानी कूलेंट के बॉइलिंग पॉइंट को भी बढ़ा देता है। सामान्यतः पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है। यदि इंजन में कूलेंट के रूप में शुद्ध पानी का प्रयोग किया जाए तो यह पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल जाएगा एवं भाप में कन्वर्ट होने लगेगा। इस स्थिति में यह पानी कूलिंग का कार्य नहीं कर पाएगा, जबकि यदि पानी के स्थान पर हम 50% पानी एवं 50% एंटी फ्रीज सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं तो यह पानी लगभग 250 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है। इसका लाभ यह होता है कि इंजन अधिक टेम्परेचर पर भी अच्छे से कार्य कर पाता है। जब भी आप कूलेंट खरीदते हैं तो उस कूलेंट के ऊपर उसके फ्रीजिंग पॉइंट एवं उसके बॉइलिंग पॉइंट मेंशन रहते हैं। हालांकि यह कूलेंट किस ताप पर जमेगा एवं किस ताप पर उबलेगा यह कूलिंग सिस्टम के अंदर कूलेंट के प्रेशर पर भी निर्भर करता है। तो एंटी फ्रीज कूलेंट को जल्दी जमने से रोकता है, एंटी फ्रीज कूलेंट को जल्दी उबलने से भी रोकता है। इसके साथ साथ कूलेंट और भी कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे कि एंटी फ्रीज इंजन एवं उसके पार्ट्स पर जंग लगने एवं उनके कोरोजन को रोकता है। एंटी फ्रीज ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, जिससे यह इंजन की गर्मी को जल्दी से एब्जॉर्ब करके उसे जल्दी से रिलीज भी कर देता है। तो यह तो हम समझ गए कि कूलेंट या एंटी फ्रीज क्या होता है एवं इंजन में इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि कूलेंट के कौन कौन से प्रकार हैं एवं आप अपनी गाड़ी या इंजन के लिए सही कूलेंट का चुनाव कैसे करें। सामान्यतः लोग कूलेंट को उसके रंग से जानते हैं, जैसे कि हरा कूलेंट, पीला, गुलाबी, लाल इत्यादि रंग के कूलेंट। परंतु यह जरूरी नहीं है कि कूलेंट का रंग उसके प्रकार या विशेषताओं को बताए, क्योंकि एक ही रंग के दो अलग अलग कूलेंट की विशेषताएं यानी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो सकती हैं। यहां पर आप एक बात समझ लें कि कूलेंट का रंग उसकी कोई विशेष प्रॉपर्टी नहीं है, परंतु कूलेंट में रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि कूलेंट के लीकेज का आसानी से पता लगाया जा सके। आइए जानते हैं कि कूलेंट कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः कूलेंट तीन प्रकार के होते हैं, IAT यानी इनऑर्गेनिक एडिटिव टेक्नोलॉजी, OAT यानी ऑर्गेनिक एसिड टेक्नोलॉजी एवं HOAT यानी हाइब्रिड OAT। हाइब्रिड कूलेंट इनऑर्गेनिक एवं एसिड का मिश्रण होता है, यानी कि यह IAT एवं OAT का मिश्रण होता है। इसे इस टेबल से डिटेल में समझते हैं। IAT यानी इनऑर्गेनिक एडिटिव टेक्नोलॉजी पुरानी पद्धति है। इसका रंग सामान्यतः हरा ही होता था एवं यह जल्दी खराब हो जाते थे, इनको जल्दी जल्दी बदलना पड़ता था। OAT यानी ऑर्गेनिक एसिड टेक्नोलॉजी में एंटी फ्रीज के रूप में कार्बनिक अम्लों यानी ऑर्गेनिक एसिड्स का प्रयोग किया जाता है, इनका रंग सामान्यतः ऑरेंज होता है। HOAT यानी हाइब्रिड कूलेंट, ये IAT एवं OAT को मिलाकर बनाए जाते हैं, इनका रंग सामान्यतः पीला होता है। मुख्यतः तीन प्रकार के HOAT कूलेंट का प्रयोग किया जाता है, फास्फेट फ्री HOAT, फास्फेटेड HOAT एवं सिलिकेटेड HOAT। इस कॉलम में इन कूलेंट का प्रयोग करने वाले प्रमुख निर्माताओं को दिखाया गया है। आपकी गाड़ी के लिए कौन सा कूलेंट सही है इसका निर्णय आप निर्माता द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ही करें। मार्केट में कूलेंट दो प्रकार से मिलते हैं। पहले है कंसंट्रेटेड यानी शुद्ध कूलेंट। इन कूलेंट का प्रयोग करने से पहले इनमें पानी मिलाना होता है। कूलेंट में कितना पानी मिलाना है यह कूलेंट पर ही निर्देशों में दिया रहता है। जैसे कि इस कूलेंट में यह बताया गया है कि इसका प्रयोग करने से पहले इसके एक पार्ट में 3 पार्ट पानी मिलाना है, यानी 1 लीटर कूलेंट में 3 लीटर पानी मिलाने के बाद प्रयोग करना है। इसी प्रकार से इस कूलेंट में यह दिखाया गया है कि इसमें 1 पार्ट कूलेंट में 4 पार्ट पानी मिलाना होगा। दूसरे होते हैं रेडी टू यूज कूलेंट। इन कूलेंट में पानी की आवश्यक मात्रा पहले से ही मिलाई हुई होती है और इन्हें सीधे ही इंजन में प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए कूलेंट का प्रयोग करने से पहले उस पर लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। जैसे कि
इस कूलेंट की बोतल पर लिखा हुआ है 50/50 प्री डायल्यूटेड एंटी फ्रीज डू नॉट एड वॉटर, यानी इस कूलेंट में पहले से ही 50% पानी एवं 50% एंटी फ्रीज है और इसमें पानी नहीं मिलाना है। तो कूलेंट खरीदते समय आप याद रखें कि आप अपनी गाड़ी के लिए रिकमेंडेड कूलेंट ही खरीदें। आपकी गाड़ी के लिए कौन सा कूलेंट सही है इसकी जानकारी आपको गाड़ी के सर्विस मैनुअल या फिर आपकी गाड़ी के डीलरशिप पर मिल जाएगी। अब अगला प्रश्न उठता है कि आपको अपनी गाड़ी में कूलेंट कब भरना चाहिए। आपकी गाड़ी में कूलेंट भरने का समय हो गया है इसकी जानकारी आपको 3 तरीकों से मिल सकती है। पहला, कूलेंट लेबल चेक करें। इंजन में एक कूलेंट रिजर्वायर टैंक लगा होता है। इस रिजर्वायर टैंक पर लो एवं हाई के निशान लगे होते हैं। कूलेंट का लेवल हमेशा हाई होना चाहिए। यदि इस टैंक में कूलेंट का लेवल लो हो गया है तो ऐसी स्थिति में आपको इंजन में कूलेंट भरना चाहिए। यहां एक बात और याद रखें कि यदि कूलेंट गर्म है तो उसका वॉल्यूम अधिक होगा एवं इसका लेवल हमें अधिक दिखाई देगा, इसलिए कूलेंट का लेवल चेक करते समय इंजन को हमेशा ठंडा होना चाहिए। दूसरा यह कि आपने जो कूलेंट यूज किया है उस पर दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह से पढ़ें। जैसे कि यहाँ दिया गया है 5 वर्ष या 150,000 माइल्स, यानी यह कूलेंट 5 वर्ष तक कार्य करेगा या गाड़ी के 1.5 लाख माइल्स तक चलने तक काम करेगा। इसके बाद इस कूलेंट को बदलना होगा। इसी प्रकार से इस कूलेंट पर दिया हुआ है 60,000 किलोमीटर या 2 साल, यानी यह इस अवधि तक ही कार्य करेगा, इसके बाद कूलेंट को बदलना होगा। तीसरा तरीका है कि समय समय पर कूलेंट की कंडीशन को चेक करते रहें, क्योंकि वातावरण की परिस्थितियों के अनुसार कभी कभी कूलेंट जल्दी भी खराब हो जाता है। इंजन में कूलेंट को भरते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखनी है। पहली बात कि 2 अलग अलग रंगों या अलग अलग प्रकार के कूलेंट को मिलाकर प्रयोग ना करें। प्रत्येक कूलेंट की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं। यदि 2 अलग अलग प्रकार के कूलेंट को मिलाया जाएगा तो शायद तुरंत ये कोई इंजन को नुकसान ना पहुंचाए, परंतु धीरे धीरे इससे इंजन की क्षमता कम हो जाएगी। इसलिए हमेशा एक ही प्रकार के कूलेंट का प्रयोग करें एवं नया कूलेंट भरने से पहले पुराने कूलेंट को अच्छी तरह निकाल दें। दूसरी सावधानी है कि एंटी फ्रीज एवं पानी के सही अनुपात का प्रयोग करें। कूलेंट का प्रयोग करते समय उस पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह पढ़ें एवं यह देखें कि उस कूलेंट में कितना पानी मिलाना है या उस कूलेंट को सीधे ही प्रयोग करना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कूलेंट में पानी एवं एंटी फ्रीज का रेशो बदलने पर उसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज भी बदल जाती हैं। उदाहरण के लिए इस कूलेंट पर यह दर्शाया गया है कि कैसे कूलेंट एवं पानी का रेशो बदलने पर इसके फ्रीजिंग प्वाइंट एवं बॉइलिंग प्वाइंट बदल जाते हैं। अगली सावधानी यह है कि नया कूलेंट भरने से पहले पुराने कूलेंट को पूरी तरह से निकाल दें। और अगली सावधानी कि पुराने कूलेंट को निकालने से पहले इंजन को ठंडा होने दें, क्योंकि यदि गर्म स्थिति में कूलेंट को निकाला जाएगा तो कूलेंट अत्यधिक गर्म होने से आपको नुकसान पहुंचा सकता है। एक और सावधानी जिसका आपको हमेशा ख्याल रखना है कि कूलेंट का प्रयोग करते समय उस कूलेंट पर दिए गए सभी इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह पढ़ लें, विशेषकर कूलेंट की आयु, उसमें मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा, उस पर दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश एवं सावधानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके औरों को भी सब्सक्राइब कराएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।